नमस्कार दोस्तों, आप सबको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आज का मार्केट बजट के वजह से करीब 5% के आसपास अपसाइड देखने को मिला। उसमें से बैंकिंग सेक्टर, ऑटो सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला और इन सब सारे शेयर करीब कोई कोई 10%, कोई 7%, कोई 6% के आसपास अपसाइड देखने को मिला। गाइस, इस वीडियो में टाटा मोटर के बारे में बात करेंगे, टाटा मोटर का चार्ट एनालाइज करेंगे और टाटा मोटर का टारगेट भी इस वीडियो में बताएंगे। और गाइस, टाटा मोटर के लिए जो हमने एक टारगेट दिया था 250 का, वो टारगेट तो अचीव कर चुका है, पर गाइस मोतीलाल ओसवाल फिर से 350 का टारगेट दिया है। पर गाइस, इस वीडियो में 350 नहीं, इसमें 500 के टारगेट किस में देखेंगे और बात करेंगे कि वहां तक जा सकता है कि नहीं जा सकता है। क्योंकि गाइस, टाटा मोटर का Q3 का रिजल्ट था वो काफी बेहतरीन था और शानदार था, इससे टाटा मोटर का टारगेट को अचीव करने के लिए और भी आसान होगा। तो वीडियो का आप एंड तक देखिए, पूरा देखिए, और आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक बेल आइकन दबा दीजिए। गाइस, आज के मार्केट में बजट आने के बाद टाटा मोटर में करीब 7% के आसपास अपसाइड देखने को मिला और ये मूव काफ़ी बड़ा मूव था। जब मार्केट डाउन होता उस समय, जैसे कि हम आपको बताए थे, 260 के आसपास जगह सपोर्ट लेगा और उसी जगह जगह सपोर्ट लिया और अब फिर इसमें अप मूवमेंट शुरू हो गया है। और गाइस, आपको अगर यकीन नहीं होता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल फिर से टाटा मोटर का टारगेट दिया है 350 के आसपास। और गाइस, ये वो ब्रोकर है जो भी टारगेट देता है वो अचीव कर ही लेता है, वो नहीं जाता है। पर गाइस, मेरा मानना ये है, इस बार का जो बजट आया है उसमें ऑटो सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप मिला है और जितना भी ऑटो सेक्टर है, चाहे वो महिंद्रा कंपनी का हो या फिर टाटा मोटर हो या फिर और भी इचर मोटर कोई भी हो, हर कोई आज करीब 6% 7% के आसपास मूव देखने मिला है जितना भी टाटा मोटर है सब में। क्योंकि आज के बजट जो है वो ऑटो सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है और उससे ज़्यादा तो बैंकिंग सेक्टर और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को भी काफ़ी ज़्यादा इसमें सपोर्ट किया है। तो कहिए, अगर आप टाटा मोटर लिए हैं तो आप अभी आराम से बैठे रहिए जब तक ये करीब 400-500 के आसपास नहीं जाता है, क्योंकि गाइस शॉर्ट टाइम इसका जो टारगेट है वो करीब 350 के आसपास है। अगर टाटा मोटर का आप वन डे का चार्ट देखेंगे तो वन डे का चार्ट आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से आज एक अप मूवमेंट दिया था। मार्केट जब खुला था उस समय करीब नेगेटिव था और ये काफ़ी ज़्यादा डाउन जा चुका था। अगर आज आप टाटा मोटर में इंट्राडे किए होंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि आज का जो मार्केट लो लगाया था वो करीब टाटा मोटर खुलने के बाद, आज का जो मार्केट खुला था उस समय करीब 255 रुपीज़ के आसपास इसमें लो लगा था और इसका हाई किया था 282 रुपीज़ का। तो अगर आज इंट्राडे किए होंगे तो आज आप काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाए होंगे टाटा मोटर से। और ये जो टाटा मोटर है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है और इसका रेजिस्टेंस मतलब एक महीना के करीब आसपास इसमें आप देख सकते हैं, ये 300 के आसपास गया था फिर से वो वापस आया है। अब 300 को पार करना जरूरी है, आपको अब इंतज़ार करना है 300 का। मोतीलाल ओसवाल के द्वारा एक डेटा लॉन्च किया गया है जिसमें कि प्रोमोटर और होल्डिंग FI होल्डिंग दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं टाटा मोटर अभी जो टोटल स्ट्राइक प्रोमोटर के पास है वो करीब 43% के आसपास है इस कंपनी में, और ये दिसंबर का क्वार्टर में ये अपडेट दिया गया है 2020 का। अगर आप इसका FIIS के बारे में देखें मतलब फॉरेनर इन्वेस्टर इंडिविजुअल, तो वो करीब 16% के आसपास स्ट्राइक है और डोमेस्टिक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास 12.7% के आसपास है, पब्लिक के पास इतना ज़्यादा। ये होल्डिंग है टाटा मोटर का जो कि करंट बताया है आपको यहाँ पर दिसंबर 2020 का क्वार्टर में। अगर आप टाटा मोटर का टोटल सेल और वगैरह सब कुछ देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टाटा मोटर जिस तरह फाइनेंशियल कंडीशन है वो अभी इस तरह से है कि टाटा मोटर का जैसे कि यहाँ पर 31 दिसंबर 2020 में ये अपडेट दिया गया है, इसका कंसोलिडेटेड सेल जो है वो करीब 42% के आसपास अपसाइड दिख रहा है और लास्ट क्वार्टर में इतना था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसी यही चीज़ को आप देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टाटा मोटर कितना ज़्यादा रिकवर किया है, जो लास्ट क्वार्टर मतलब Q2 में करीब इतना करोड़ के आसपास था और Q3 में वो रिकवर कर लिया कितना ज़्यादा। तो इससे क्या है कि टाटा मोटर को संदेश देता है कि ये 500 रुपीज़ तक जाने का चांसेस है। और गाइस, 2021 का जो बजट पेश किया गया है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का द्वारा, उसमें ऑटो सेक्टर में आग लगा दिया है। अगर आप महिंद्रा कंपनी में देखें, टाटा मोटर ये टॉप गेनर है ऑटो सेक्टर का और इसमें करीब 7% के आसपास इसमें अपसाइड देखा है सब में। गाइस, यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि ऐसा क्या आज का बजट में पेश किया गया है ऑटो सेक्टर के लिए जो कि इतना ज़्यादा इसमें अप मूवमेंट देखने को मिला था। तो आज का बजट में इसमें अनाउंस किया गया है स्क्रैपेज पॉलिसी। तो गाइस, स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में आपको हम बताते हैं कि स्क्रैपेज पॉलिसी होता क्या है।
इसका मतलब 15 साल पुराने गवर्नमेंट व्हीकल को अप्रैल 2022 से कबाड़ में भेजने का पॉलिसी को मंजूर दे दिया है। और इस बार 2021 का जो बजट आया है उसमें 2030 तक जितना भी व्हीकल है उसको ई मोबिलिटी में बदलने का लक्ष्य रखा गया है। तो अब गाइज आप थोड़ा अंदाज़ा लगा के देखिए कि टाटा मोटर जो है वो टेस्ला के साथ पार्टनरशिप करने को जा रही है। आज नहीं तो कल तो पार्टनरशिप होना ही है। और आपको भी पता है कि 2030 तक जितना भी मोटरसाइकिल है सब बदल जाएगा इलेक्ट्रिक में, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेगा, चाहे वो टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, जो कुछ भी हो। तो आप उस समय सोच सकते हैं कि टाटा मोटर कैसे बवाल मचाएगा मार्केट में, जैसे ही उसको टेस्ला के साथ पार्टनरशिप कर लेगा। सिर्फ वही चीज़ का देरी है गाइज। आप ट्रेंडिंग व्यू में 1 वीक का चार्ट देख रहे हैं और यहाँ पर आपको चार्ट देखने के बाद आपका डर भी काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, इसमें कंटिन्यूसली इस जगह पर जब फॉल किया था पेंडेमिक के कारण, उसके बाद अचानक से इसमें अप मूवमेंट दिखते ही जा रहा है। और आप इसमें वॉल्यूम में देख सकते हैं कितना ज़्यादा बायर का ही वॉल्यूम दिख रहा है, सिर्फ आपको ग्रीन ही दिखेगा यहाँ पर और दूसरा नहीं दिखेगा। रेड बहुत ही कम है लेकिन ग्रीन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। पर गाइज इसी जगह पर जहाँ पर सेटल हुआ था मार्केट, जब करीब सेंसेक्स करीब 4 दिन में 2000 के आसपास गिरावट देखने को मिला था, उस समय टाटा मोटर का मामला काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था। पर गाइज अब इसमें डरने का कोई बात नहीं, क्योंकि इस जगह आप देख सकते हैं कोई चाहे फंड हाउस हो या फिर बहुत ही बड़ा इन्वेस्टर जो कि टाटा मोटर को कंटिन्यूसली बाय किया है इस जगह पर, जिसके कारण यहाँ पर इतना ज़्यादा मूव देखने को मिला था। अब टाटा मोटर में तो मार्केट में बजट के तरफ से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल चुका है। और दूसरी बात यह है कि टाटा मोटर का जो रिजल्ट आया वो भी काफ़ी बेहतरीन आया है, जिसमें कि टाटा मोटर में एक कंटिन्यूसली रैली देखने को मिल सकता है करीब 340 या फिर 50 के आसपास। पर गाइज इसको 500 ले जाने के लिए आपको अभी लॉन्ग टर्म तक के लिए इन्वेस्ट करके रखना होगा, करीब 2 से 3 साल तक, तब इसमें 500 के आसपास जाने को मिलने के चांसेस है और उस जगह हम लोग उस प्राइस को देख सकते हैं। पर गाइज इसको अगर शॉर्ट टाइम देखें तो अभी 350 रुपीज़ होगा। और अगर टेस्ला इसके साथ पार्टनरशिप कर लेता है तब इसको 500 जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, आसानी से 500 का टारगेट अचीव करेगा। क्योंकि अब इंडियन गवर्नमेंट ये स्टेप उठा लिया है कि 2030 तक जितना भी मोटर बाइक है या फिर व्हीकल है सबको बदलना है इलेक्ट्रिक में, और इलेक्ट्रिक बदलेगा मतलब टेस्ला जरूर सपोर्ट करेगा टाटा मोटर को और उसका पार्टनरशिप काफ़ी ज़्यादा शानदार होगा। और गाइज आप इस कैंडलस्टिक को देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो बेयरिश कैंडलस्टिक फॉर्म किया था ये रेड वाला, उसके बाद अब यहाँ पर बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्म कर चुका है। बुलिश कैंडलस्टिक अब इसमें 300 को क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका जो रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, वो करीब 300 में है। और इसी जगह पर दो ठो आप देख सकते हैं 1 वीक का चार्ट में 2 ठो इसमें कैंडलस्टिक फॉर्म किया है उसी के नीचे, और दोनों जो है एक बुलिश है और दूसरा बेयरिश है, और अब फिर बुलिश फॉर्म किया है। अब इस जगह को यहाँ पर क्रॉस करना बहुत ही ज़रूरी है, तब आप सोच सकते हैं टाटा मोटर को आगे का जर्नी के लिए। पर टाटा मोटर में अभी इसका जो न्यूज है मार्केट इसका सपोर्ट में है, और टाटा मोटर कभी भी एक और एक अप मोमेंट दे सकता है और एक बड़ा रैली देखने को मिल सकता है। गाइज टाटा मोटर के यहाँ पर आप वॉल्यूम देखिए, इस वॉल्यूम में भी आप काफ़ी सारा चीज़ समझ पाएंगे, जैसे कि 1 मंथ 1 वीक और यस्टरडे में वॉल्यूम ज़्यादा नहीं था, बहुत ही कम था, मतलब यहाँ पर बायर का बहुत ही ज़्यादा है, एक्टिव द बायर। पर गाइज आज में देखिए आप वॉल्यूम कितना ज़्यादा है, जिसमें कि ये सबको पार कर चुका है। इससे क्या संदेश लग रहा है टाटा मोटर का कि आज टाटा मोटर में सेलर काफ़ी ज़्यादा था, इसमें टाटा मोटर में आज सेलिंग काफ़ी ज़्यादा हुआ है आज के वॉल्यूम देखने के बाद ऐसा है। और जो पिछले कल के दिन में आप देख सकते हैं, मतलब फ्राइडे का दिन में टाटा मोटर में कितना कम वॉल्यूम था, इसमें बाइंग का प्रेशर था।